हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अंकुर, स्वागत है आपका मेरे और आपके अपने चैनल कॉमिक बुक गाय पर। दोस्तों, आज मैं पढ़ने जा रहा हूं ड्रैगन बॉल इन्फिनिटी का चैप्टर 3। मैं जानता हूं ये चैप्टर काफ़ी लेट हो गया है, पर दोस्तों मेरी ड्रैगन बॉल इन्फिनिटी के क्रिएटर से बात हुई थी और उसने मुझे बताया था कि उसका चैप्टर 4 जल्दी ही आ रहा है और इसी वजह से मैं रुका हुआ था। मैंने सोचा था कि चैप्टर 3 और चैप्टर 4 में एक साथ ही डाल दूंगा, पर क्योंकि चैप्टर 4 अभी थोड़ा लेट हो रहा है तो मैं चैप्टर 3 आपके लिए लेकर आ गया हूँ। और जैसे ही चैप्टर 4 आएगा उसकी वीडियो भी मैं आप लोगों के लिए जल्द से जल्द लेकर आ जाऊंगा। जिन लोगों को ड्रैगन बॉल इन्फिनिटी के बारे में नहीं पता, उन लोगों को मैं बता देता हूँ कि सबसे पहले सुपर सीन गॉड की स्टोरी है। ये कैनन तो नहीं है, पर ये बड़ी ही कमाल की है और ये आप लोग जल्द ही देख लेंगे। तो दोस्तों, हमने चैप्टर 2 के एंड में देखा था कि चैम्पा अपनी जान बचाकर भेड़ियों से भाग रहा होता है और ताइमा ये चीज़ देख लेता है। वो चैम्पा को बचाने के लिए उसकी तरफ भागता है और भेड़ियों और चैम्पा के बीच में खड़ा हो जाता है, पर तभी वो पहली बारी मून को देखता है और ब्लड स्वेव की वजह से वो पहली बारी ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। इस प्लेनेट पर मून सिर्फ 7 ही दिन दिखता है और ये पहली बार है कि ताइमा ने मून को देखा था, तो उसको इस फॉर्म के बारे में कुछ भी नहीं पता। जैसे ही वो ग्रेट एप में ट्रांसफॉर्म होता है वो चिल्लाने लग जाता है, पर भेड़िया उससे नहीं डरते, पर चैम्पा की ये देख के हालत ख़राब होने लग जाती है। ग्रेट एप की फॉर्म में साइंस की ताकत भी 10 गुना ज़्यादा बढ़ जाती है, तो उसी तरीके से ताइमा की ताकत भी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। वो एक ही पंच में सारे के सारे भेड़ियों को दूर उड़ा देता है। सारे के सारे भेड़िए डर के मारे वहाँ से भाग जाते हैं और ताइमा वहाँ पे तबाही मचाना शुरू कर देता है। ताइमा अपनी इस ग्रेट एप की फॉर्म में सबसे पहले फैरो के महल को देखता है, क्योंकि वो वहाँ की सबसे बड़ी बिल्डिंग है। वो उसकी तरफ बढ़ने लग जाता है, पर तभी उसे कोई देख लेता है और हल्की सी स्माइल करता है, और ये शख्स बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होगा। वो एक ही बीम से ताइमा को हरा देता है और ताइमा वहीं के वहीं बेहोश हो जाता है। अगले दिन ताइमा एक काल कोठरी में उठता है और उसे कुछ भी नहीं याद कि उसके साथ क्या हुआ था। वो सोच रहा होता है कि आखिर मैं कहाँ हूँ, पर उसे कुछ भी नहीं दिख रहा होता। वो कुछ भी ना देख पाने की वजह से घबराने लग जाता है। वो जरा सा आगे बढ़ने की कोशिश करता है, पर तभी वो देखता है कि उसकी पूँछ को चेन से बांधा हुआ है। अब ये चीज़ थोड़ी सी अजीब सी है दोस्तों, क्योंकि किसी को भी ये नहीं पता कि ताइमा एक सैयन है और उसकी पूँछ ही उसकी पावर का सोर्स है, क्योंकि वो पूँछ के बिना औजारों में नहीं बदल सकता। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि किसी न किसी को प्लेनेट पर ये पता है कि ताइमा एक सैयन है। हो सकता है ये बात फैरो को ही पता हो और इसीलिए उसने उसकी पूंछ को बांधा हुआ हो, क्योंकि किसी भी नॉर्मल जेल में अगर आप किसी को बांधते हो तो आप उसके हाथ और पैर बांधोगे, पूंछ बांधने का कोई मतलब नहीं बनता। एकदम से ताइमा के सामने एक बहुत बड़ा शख्स आके खड़ा हो जाता है। वो बोलता है कि अपने आप को चोट मत पहुँचाओ बच्चे। उसके पीछे एक दूसरा शख्स खड़ा होता है और वो बोलता है कि इस चेन को तोड़ना नामुमकिन है, क्योंकि इस पर जादू किया गया है। ताइमा ये सुन के चौंक जाता है और उस चेन को तोड़ने की कोशिश करने लग जाता है। वो उस चेन को खाने की कोशिश भी करता है, पर उसे नहीं तोड़ पाता और इसके बाद ताइमा हार मान लेता है। वो शख्स बोलता है कि तुमने तो बहुत जल्दी हार मान ली, ये तो बहुत ही शर्म की बात है। तभी ताइमा बोलता है कि अभी तो इसने कहा कि इस चेन को तोड़ना नामुमकिन है, तो मेरी कोशिश करने का क्या फ़ायदा होने वाला है। तभी ये शख्स गुस्सा हो जाता है और बोलता है ये तो एक कमज़ोर इंसान की निशानी है, तुमने देखा नहीं कि मेरी चेन टूटी हुई है, तुम में बस हिम्मत की कमी है और इसीलिए तुम इस चेन को कभी नहीं तोड़ पाओगे, क्योंकि तुम कमज़ोर हो। ताइमा बहुत गुस्सा हो जाता है और बोलता है कि मैं कमज़ोर नहीं हूँ। इसके बाद ताइमा उस चेन को तोड़ने के लिए अपनी पूरी कोशिश करने लग जाता है और चेन से दूर भागने लग जाता है। वो अपनी पूरी कोशिश कर रहा होता है, पर तभी ताइमा की पूँछ टूट जाती है और उसके शरीर से अलग हो जाती है और ताइमा चेन से छूट जाता है। उसकी ज़िंदगी में उसके साथ ही पहली बार हो रहा है कि उसकी पूँछ टूट गई है, तो बहुत ज़्यादा घबराने लग जाता है। इसकी थोड़ी देर बाद ताइमा शांत हो जाता है और इन लोगों से पूछता है कि आखिर तुम लोग यहाँ पे क्यों हो। पक्षी जैसा दिखने वाला शख्स बताता है कि मेरी नोब के एक आदमी से लड़ाई हो गई थी, क्योंकि वो मेरी दुकान से कुछ चुराने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए मैं यहाँ पर हूँ। दूसरा शख्स बोलता है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं यहाँ पर क्यों हूँ, पर मैं तुमसे काफ़ी इम्प्रेस हुआ, मुझे लगता है तुम अपनी हिम्मत की वजह से यहाँ पर रह पाओगे। तभी ताइमा बहुत गुस्से में बोलता है कि आखिर मैं यहाँ पे कर क्या रहा हूँ, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। आखिरी बात जो मुझे याद है, मैं अपने दोस्त की मदद करने की कोशिश कर रहा था, पर तभी सब कुछ अंधेरा अंधेरा सा हो गया और मैं बेहोश हो गया। वो शख्स समझ जाता है कि ताइमा को कुछ भी याद नहीं है। वो ताइमा को बताता है कि बच्चे तुम कल एक मॉन्स्टर बन गए थे, नहीं तुम एक डीमन थे, और अगर मैंने तुम्हें नहीं रोका होता तो तुम मेरी प्रजाति के काफ़ी लोगों को मार देते। मैं भी ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आखिर तुम एक मॉन्स्टर कैसे बन गए। ताइमा ये सुन के बहुत हैरान रह जाता है और बोलता है कि मैं कुछ समझ नहीं पा रहा।
वो शख्स थायमा को बताता है कि अब उससे फ़र्क नहीं पड़ता, नॉब तुम्हें अपना एक दुश्मन मानता है और इसीलिए उसने तुम्हें यहाँ पे बांध के रखा था। अगर तुम यहाँ पे ज़िंदा रहना चाहते हो तो तुम्हें खाना होगा और खाने के लिए तुम्हें लड़ना होगा। अगर तुम लड़ नहीं सकते हो तो तुम यहाँ पे मारे जाओगे। थायमा बोलता है कि मुझे लड़ना पसंद नहीं है पर मुझे लड़ने में मज़ा बहुत आता है। वो शख्स थायमा को बोलता है क्या तुम किसी को पंच मार सकते हो। थायमा बोलता है कि हाँ मैं कोशिश कर सकता हूँ। वो बोलता है कि मुझ पर एक पंच मारने की कोशिश करो। थायमा बोलता है कि ठीक है तैयार हो जाओ। थायमा उसे पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है पर वो उसे बड़े आराम से रोक लेता है और उसे बताता है कि उसकी ताकत उससे बहुत ज़्यादा है तो उसे पंच नहीं मार पाएगा। वो उसे उठा के ज़मीन पर नीचे पटक देता है और उसे बताता है कि अभी तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। एक पंच एक बहुत ही अच्छा वेपन है पर अगर तुम्हारे सामने वाले की ताकत तुमसे ज़्यादा है और उसकी ग्रिप तुमसे अच्छी है तो एक पंच मारना तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। थायमा मार खा के साइड बैठ जाता है और बोलता है कि तुमने तो मुझे कहा था कि मैं तुम्हें पंच मारूं। इसके बाद वो शख्स उस पर बीम अटैक करता है। थायमा ने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा और वो बोलता है ये आखिर क्या था। वो शख्स थायमा को बताता है कि इसे लाइफ एनर्जी कहते हैं और ये वो एनर्जी है जो तुम्हें ज़िंदा रखती है और इस एनर्जी को मैनिपुलेट किया जा सकता है और तुम्हें ज़्यादा ताकतवर बनाने के लिए भी। तुम चिंता मत करना मैं ये तुम्हें सिखा दूंगा। थायमा ये एनर्जी देख के बहुत हैरान था इसलिए वो बहुत खुश होता है। वो शख्स थायमा को बोलता है कि बच्चे मुझे तुम्हें पोटेंशियल दिख रहा है और तुम एक दिन बहुत ही अच्छे वॉरियर बन सकते हो। मैं तुम्हें वो सब कुछ सिखाऊंगा जो मुझे आता है और अपना पूरा फाइटिंग स्टाइल भी। और वैसे भी अगर मैंने तुम्हें ये सब कुछ नहीं सिखाया तो तुम यहाँ पर भूखे मर जाओगे। तभी थायमा बोलता है कि मुझे भूख लग रही है। वो शख्स बोलता है कि तुम्हें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी तभी तुम खाना खा पाओगे। थायमा बोलता है कि मैं तैयार हूँ। इसके बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। ट्रेनिंग के टाइम थायमा बहुत पिटता है और रिकी उसकी एनर्जी बार बार रिस्टोर करता रहता है जिससे कि थायमा बार बार ठीक होता रहता है। धीरे धीरे करके थायमा और ज़्यादा ताकतवर होने लग जाता है पर वो अभी भी अपने मास्टर को ओवरपावर नहीं कर पाता क्योंकि वह भी बहुत ज़्यादा स्लो है। रिकी उसकी बार बार एनर्जी रिस्टोर कर रहा होता है जिसकी वजह से वो लगातार ट्रेनिंग कर सकते हैं। पर थायमा एक सैयन है और बार बार जेंकाई बूस्ट मिलने की वजह से वो धीरे धीरे करके और ज़्यादा ताकतवर होता जाता है और आखिरकार अपने मास्टर को भी थोड़ी सी टक्कर देने लग जाता है। थायमा अपने मास्टर को एक पंच मारने में कामयाब हो जाता है और इससे उसके मास्टर गुस्सा हो जाते हैं। थायमा उसे दूसरा पंच मारने के लिए आगे बढ़ रहा होता है पर तभी उसके मास्टर को गुस्सा आ जाता है। वो खिंचा के थायमा को एक ज़ोरदार पंच मार देते हैं जिससे थायमा बेहोश हो जाता है और दूर जाके गिरता है। रिकी थायमा के मास्टर को बोलता है कि अगर मैं यहाँ पर नहीं होता और इसे हील नहीं किया होता तो ये मर जाता। थायमा का मास्टर बोलता है कि इसकी उम्र में मेरे पास इससे 10 गुना कम ताकत थी। जैसा कि मैंने तुम्हें प्रॉमिस किया था इस बच्चे का पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है और ये तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने में मदद करेगा। समय बाद हम देखते हैं कि थायमा अपने मास्टर से अभी भी नाराज़ है। उसके मास्टर उसके रूम में आते हैं और थायमा बोलता है कि तुम आखिर इस जेल में क्यों हो। थायमा का मास्टर बोलता है कि बच्चे तुम जान नहीं चाहते हो तो रीज़न है कि मैंने नॉब के भगवान होने पर शक किया था। मैं पहले नॉब की आर्मी में था और मेरे करीबी दोस्त को नॉब की सच्चाई पता चल गई थी और मेरे को उसकी हिस्ट्री के बारे में काफ़ी सारे राज पता चल गए थे और इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ। सच कहूँ तो यहाँ पर मैं अपनी मर्ज़ी से हूँ। मैं चाहूँ तो यहाँ से कभी भी बाहर निकल सकता हूँ पर उस गलती की सज़ा मेरे बीवी और मेरे बच्चों को मिलेगी। मेरी वाइफ मुझे बताती है कि मेरा एक बेटा हर समय सोता ही रहता है और अपना खाना अपने भाई को दे देता है जो कि सारा खाना खा जाता है क्योंकि मैं वहाँ पर नहीं हूँ और उसे उस चीज़ का दुख है। पर उन्हें ये नहीं पता कि मैं यहाँ पर इसलिए हूँ क्योंकि मैं उन्हीं की रक्षा कर रहा हूँ। तो दोस्तों आप लोग समझ ही गए होंगे थायमा का मास्टर और कोई नहीं बीरस और चैम्पा का फादर है। इसका फादर बहुत गुस्से में बोलता है कि नॉब मेरे लिए बहुत ज़्यादा ताकतवर है और वो बहुत ज़्यादा बेरहम है पर अब तुम्हें इस चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मेरे बारे में काफ़ी बातें हो गई तुम आराम करो क्योंकि तुम्हें उसकी ज़रूरत पड़ेगी। हम बहुत सारी ट्रेनिंग करने वाले हैं। इसके बाद थायमा की और ज़्यादा हार्ड ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। बीरस का फादर थायमा को हर चीज़ सिखाता है जो उसे आती है यानी कि लाइफ एनर्जी को मैनिपुलेट करना उसकी स्पीड बढ़ाना और उसको हर चीज़ सिखाना। आखिरकार थायमा और ज़्यादा ताकतवर होने लग जाता है और अपने मास्टर को भी थोड़ा सा ओवरपावर करने लग जाता है। थायमा अब थोड़ा बड़ा भी हो गया है और बीरस के फादर थायमा को बताते हैं कि आखिरकार तुम तैयार हो गए हो। हम देखते हैं कि थायमा एक अपोनेंट को हरा के अरीना से बाहर आ रहा होता है। बीरस के फादर बोलते हैं कि तुम मुझे इस तरीके से कभी नहीं हरा पाओगे जैसे तुमने उस कमज़ोर को हरा दिया। थायमा बोलता है कि जब से मैंने लड़ाई करना शुरू किया है तुम एरिना में मेरे साथ पूरी ताकत से नहीं लड़ते
तो हमें ये कभी नहीं पता चलेगा। तभी वहाँ पे फैरो आ जाता है और बोलता है कि मुझे ऐसा नहीं लगता। वो बोलता है कि थॉट मेरे खिलाफ़ कुछ प्लानिंग कर रहे हैं और मैंने फैसला किया है कि तुम दोनों फाइट करोगे और जो भी ज़िंदा बचेगा वो इस बर्ड के साथ जाकर मेरा एगो मारेगा और मेरे लिए लाइफ वाटर लेकर आएगा। इसके बाद वीरस के फादर ताइमा से लड़ने के लिए मना कर देते हैं। फैरो बोलता है कि मैं बताना भूल गया, इस लड़ाई में जो भी हारेगा उसकी लाइफ में जो भी लेडी है उसे मार दिया जाएगा। ब्रूट, अगर तुम हारे तुम्हारी बीवी को मार दिया जाएगा और ताइमा, अगर तुम हारे तो तुम्हारी माँ को मार दिया जाएगा। लड़ाई कुछ घंटों में शुरू होगी तो तुम लोग अपना फैसला कर सकते हो। ब्रूट, अगर तुम नहीं लड़े तो तुम्हारे बच्चे जल्दी ही अनाथ हो जाएंगे। ताइमा अपने मास्टर से बोलता है कि हमें क्या करना चाहिए। ब्रूट बोलता है कि ताइमा हम लड़ेंगे। ताइमा ये सुन के हैरान रह जाता है। ब्रूट बोलता है कि मुझे माफ़ करना, पर मैं अपने बच्चों की माँ को नहीं मरने दे सकता। मैं चाहता था कि हम दोनों साथ नूप के खिलाफ लड़ें और उसने हमारे को एक दोराहे पे खड़ा कर दिया है। ताइमा ये सुन के बहुत सीरियस हो जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि ब्रूट सच बोल रहा है और अब उसके पास कोई चारा नहीं है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। ड्रैगन बॉल इन्फिनिटी का चैप्टर 3 यहीं पे ख़त्म हो जाता है और इसके आगे अभी तक कोई चैप्टर नहीं आया है। पर अच्छी बात यह है कि चैप्टर 4 जल्दी आने वाला है, शायद वो 1 या 2 हफ्ते में जल्दी आ जाएगा। और जैसे ही वो आता है आपको पता है कि वो आपको कहाँ मिलेगा। मैं उसे रिलीज़ होने के 1 या 2 दिन में ही लेकर आ जाऊँगा, तो आप लोगों को टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तब तक आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इस वीडियो का लाइक टारगेट है 350 लाइक्स। आप चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मैं मिलता हूँ आप लोगों को अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय दोस्तों और थैंक्स फॉर वॉचिंग।